हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2020 में संचालित की जाने वाली मैट्रिक पर जमा दो कक्षाओं के नियमित तथा राज्य मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा के लिए संभावित सब्जेक्ट वाइज डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक पर जमा दो की वार्षिक परीक्षा में 10 से 12 लाख के लगभग विद्यार्थी भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2020 में संचालित किए जाने वाले मैट्रिक व जमा दो कक्षाओं के नियमित तथा राज्य मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा के लिए संभावित सब्जेक्ट वाइज डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक व जमा दो की वार्षिक परीक्षा में 10 से 12 लाख के लगभग परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। डेट शीट के संबंध में किसी अध्यापक, विद्यार्थी या विद्यालय प्रमुख का कोई प्रस्ताव, सुझाव हो तो लिखित रूप में बोर्ड कार्यालय को ईमेल के माध्यम से 20 दिसंबर 5 बजे तक प्रेषित किया जा सकता है, ताकि बोर्ड द्वारा प्राप्त सुझावों पर विचार करने के उपरांत दिनांक सूची को अंतिम रूप दिया जा सके। संभावित डेटशीट के अनुसार 10वीं मैट्रिक के नियमित, अनियमित तथा राज्य मुक्त विद्यालय सेकेंडरी कोर्स की वार्षिक परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी। वही जमा दो की रेगुलर व स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों की परीक्षा 5 मार्च से होगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव धर्मेश्वर मोत्रा ने बताया कि मैट्रिक व जमा दो की संभावित डेटशीट जारी की गई है। परीक्षा में 10 से 12 लाख के लगभग विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। संभावित डेटशीट जारी करके 20 दिसंबर तक शिक्षकों, विद्यार्थियों व स्कूलों से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव आना शुरू हो गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें परीक्षा के लिए समय अधिक मिलना चाहिए। इन्हीं सुझावों के आधार पर फाइनल डेटशीट जारी की जाएगी। जैसा कि आपको पता ही है कि इस वर्ष बोर्ड जो है वो 5th 8th को भी क्लासेस को भी क्वेश्चन पेपर सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा 10th 9th 10th और प्लस 1 और 10+2 इन क्लासेस की ऑलरेडी हम परीक्षाएं जो एचपी बोर्ड है वो लेता है, कंडक्ट करवाता है। तो हमारी जो प्रैक्टिकल की जो डेट्स रहेंगी वो 15 फरवरी से हमने कोशिश कर रहे हैं कि 15 फरवरी से हमारे जो प्रैक्टिकल हैं वो शुरू करेंगे हम डिफरेंट क्लासेस के। एंड ऑन द अदर हैंड 5th of March वहाँ से हमने शेड्यूल एक टेंटेटिव डाला है कि उस शेड्यूल से हम वार्षिक परीक्षाएं जो हैं वो लेंगे। तो 5 जो हमारा मार्च का रहेगा, 5 मार्च से हम परीक्षाएं लेंगे और लगभग ये 28 मार्च के आसपास तक हमारी परीक्षाएं चलेंगी। 5 लाख स्टूडेंट पर क्लास। मैं आपको एक रफ सा डाटा देना चाहूँगा कि इस जो मैंने पिछले डाटा एनालिसिस किए थे, तो 5 लाख स्टूडेंट्स पर क्लास हमारे परीक्षाओं में बैठते हैं। तो इस हिसाब से 10th और 12th में हमारे लगभग 10-11 लाख के आसपास स्टूडेंट्स बैठेंगे। वेयर एज अगर 4 क्लासे ले लेंगे तो ये इन ट्यून ऑफ 17-18 लाख स्टूडेंट्स हम वहाँ पे परीक्षाएं देंगे। संभावित डेट शीट जारी की गई है, तो इसके लिए टीचर्स से सुझाव भी मांगे गए हैं कि इसमें कोई फेरबदल। हाँ, डेफिनेटली वी हैव आस्क्ड फ्रॉम द टीचर्स ऑल अक्रॉस द हिमाचल दैट दे शुड हमें सजेस्ट करें, दे शुड सजेस्ट कि अगर जैसे मान लिया जाए, मुझे जैसे कल से हमने डाली है, तो आई रिसीव्ड मैनी फोन कॉल्स, जैसे कि मुझे बताया जा रहा था कि आपका हमारा यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का पेपर है, उस मैथमेटिक्स के पेपर के एग्जाम के लिए हमारे पास सिर्फ एक छुट्टी का उन्होंने कहा है, वेयर एज एक और सब्जेक्ट है कोई जिसमें कि 2 छुट्टियां हैं। तो हमारी नज़र में तो खैर सारे सब्जेक्ट इक्वल फुटिंग पे और इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं, बट डेफिनेटली अगर उन्हें लगता है कि मैथ के विषय पे अधिक वक्त मिलना चाहिए क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमने उन्हें कहा है कि आप लिखित रूप से हमारे जो बोर्ड की साइट है उस पर दें,